जानेंगे अल्बेंडाजोल के बारे में कि भाई टैबलेट और सिरप इसका जो आता है मार्केट में, ये क्या करता है, कैसे काम करता है, किन बीमारियों में देना है, किन बीमारियों में नहीं देना है, क्या इसका डोज होता है, सब कुछ जानेंगे। सो वीडियो को देखते रहिए, बहुत कुछ सीखेंगे आज आप। तो यहाँ पे बात की जाए अल्बेंडाजोल की, तो अल्बेंडाजोल क्या है, एक एंटी हेलमेंटिक ड्रग होता है, ठीक है। तो एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स की कैटेगरी में मेबेंडाजोल भी आता है, बहुत तरह तरह के आती हैं ड्रग्स। तो एंटी हेलमेंटिक मतलब क्या होता है, हेलमेंटिक्स क्या होता है भाई, पेट के कीड़े, पेट में होने वाले जो वॉर्म्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हेलमेंटीज ग्रुप के जानवर, कीड़े, कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेजम, कुछ भी बोल लो आप, वो एंटी हेलमेंटिक ड्रग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये वॉर्म्स को नष्ट कर सकें, ठीक है। तो कई बार हमारे देखते हैं आसपास बच्चों के चेहरे पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हुए हैं, या बच्चे का खाना खा रहा है लेकिन उसको खाना पनप नहीं पा रहा है, तो क्या होता है, ये पेट के अंदर कीड़े रहते हैं, आपको पता नहीं चलता, आपके में भी हो सकते हैं, मेरे में भी हो सकते हैं, पता नहीं चलता। जब ये ज़्यादा आपकी हलचल बढ़ा लेते हैं तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, ब्लड बन नहीं पाता है, ब्लड फॉर्मेशन कम हो जाता है, आयरन लेवल कम हो जाता है, इस कारण क्या होता है, त्वचा पर चकत्ते जाते हैं और तरह तरह की समस्याएं हो जाती हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, कई लोगों को फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा डेवलप हो जाता है, या खाना ही नहीं पचता, या इवन बोलते हैं ना चुनुना काटना, चुनुना काटते हैं, तो वो इसलिए टॉयलेट करते वक्त उनको इरिटेशन होता है, जलन होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से होता है, ये वॉर्म्स के कारण। तो कभी भी ऐसा लगता है आपको भाई आप खाना पीना खा रहे हो आपके शरीर को नहीं लग रहा है, तो आप समझ लो भैया आपके शरीर में खाना और कोई खा रहा है, वो कीटाणु खा रहे हैं। तो इसलिए डीवॉर्मिंग करने के लिए इसको दिया जाता है, किसको, अल्बेंडाजोल टैबलेट को या सिरप को, ठीक है। तो अल्बेंडाजोल आपको मार्केट में वेंडी के नाम से मिल जाएगा, अल्वेंजा के नाम से मिल जाएगा, इसके ब्रांड्स की बात कर रहे हैं हम, एवीजी के नाम से आता है, मेनाजोल के नाम से आता है, जेंटल और नाबोम, तो ये कुछ इसके ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो 20-25 रुपए का एक गोली, 10-15 रुपए का मिल जाता है लगभग, ज़्यादा महंगा नहीं होता ये, ठीक है। तो ये बेसिकली काम कैसे करता है, ये उस कीड़े को तो मार रहा है, उस वॉर्म्स को तो मार रहा है, तो कैसे मारता है, देखो तो भाई जो हेलमेंटिक ग्रुप के जो जहाँ माइक्रो ऑर्गेजम्स होते हैं, जो भी कीटाणु होते हैं, जो वॉर्म्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या असेंबली की तरह होती है, ऐसे गोल 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 असेंबली होती है, ये प्रोटीन्स की असेंबली बनी होती है, टू टाइप्स का प्रोटीन होता है इसके अंदर, अल्फा और बीटा, ये जो असेंबली बनी होती है तो ये क्या करता है, ये असेंबली बना बना के अपनी तादाद को बढ़ाता है, और जैसे ही अल्बेंडाजोल दोगे तो ये असेंबली को जाकर इनहिबिट कर देता है, असेंबली को बनने नहीं देता है और नया असेंबली नहीं बनने देता, तो जो होती है उसको भी तोड़ देता है। तो जो वॉर्म्स होते हैं उनकी जो प्रोटीन असेंबली होती है उनको रोक देता है, तो उनकी तादाद नहीं बढ़ पाती और जितने होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो मार्केट में इसका दोस्तों यहाँ पे 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम और 400 मिलीग्राम टेबलेट आता ही आता है। तो अभी क्या करते हैं, 800 मिलीग्राम इसका मैक्सिमम जो डोज होता है दोस्तों, 800 मिलीग्राम होता है। तो एक व्यक्ति को आप 800 मिलीग्राम दे सकते हो, तो डिपेंड करता है कितना ज़्यादा सीवियरिटी है। तो पहले समझते हैं इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन, भाई किसको नहीं देना। तो भाई यहाँ पे आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दे सकते जिसको अल्बेंडाजोल से एलर्जी हो, प्री एंड प्रोबायोटिक्स चल रहे हैं नहीं दे सकते हो, साथ में उसको प्रेगनेंसी है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, मतलब बच्चे को दूध वगैरह पिला रही है, तो उसमें भी दो कंडीशंस होती है। वैसे प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है बट उसमें भी क्या है, गायनेकोलॉजिस्ट के मॉनिटरिंग में दें तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों कि इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब बात करेंगे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स की, भाई साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो भाई जो लेट्रिन होती है फीकस, उसका कलर डार्क हो जाएगा, वो उसमें घबराना नहीं है, वो होता ही है, ठीक है। ब्लीडिंग गम, मसूड़ों में से कभी कभी खून आ सकता है, ठीक। उसके बाद पेशाब करने में परेशानी हो सकती है, वीकनेस ही लगने लगेगी थोड़ी, हाँ जो उल्टी सी आ सकती है, सिरदर्द हो सकता है। मेन इसका जो साइड इफेक्ट होता है दोस्तों, चेस्ट पेन होता है और फीकस का कलर डार्क हो जाता है, बस, ठीक है। अब समझ लेते हैं इसका डोज क्या है। देखो भाई अगर कोई व्यक्ति एडल्ट है उसको आप 15 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हो, 15 मिलीग्राम पर kg के हिसाब से दे सकते हो। तो इस तरह से कैलकुलेट करने पे ओरली इसका डोज, जो डोज होता है एक व्यक्ति को जो 50 किलो का, उसको आप 400 मिलीग्राम दे सकते हो, 400 मिलीग्राम की टैबलेट दे सकते हैं, हफ्ते में एक चलती है। और मैंने जैसा बताया आपको सीवियरिटी के ऊपर, भाई 3 दिन में भी एक बार दे सकते हैं और 5 दिन में भी एक बार दे सकते हैं, तो 3 से 4 गोली ये पूरे महीने भर में दे सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा नहीं देना, इतना करने पे पूरी वॉर्म्स ख़त्म हो जाएंगी, आदमी का डाइजेशन ठीक हो जाएगा, उसको भूख बढ़ जाएगी, रेड रेड चकत्ते जो उठ रहे थे वो गायब हो जाएंगे, सफ़ेद सफ़ेद जो चकत्ते थे वो भी गायब हो जाएंगे, बच्चे के अंदर ब्लड बनने लगेगा। तो बच्चे के डोज की बात किया तो उसका सिरप आता है, छोटा सा ड्रॉप आता है, तो ये ड्रॉप भी आपको आधा ही पिलाना है,
100 मिलीग्राम 100 एमजी का भी आता है और 200 एमजी का भी आता है। तो जो 200 एमजी और 100 एमजी पूरी एक सीसी के अंदर होता है, सीसी के अंदर होता है। तो आप चाहो तो बच्चे को दिन में 2 बार पिला सकते हो या डायरेक्ट पिला सकते हो, पूरा का पूरा आधा सीसी खाली करना होता है। बच्चे को आधा सीसी पूरा पिला दो या पूरा पिला दो, वो डिपेंड करता है। 100 मिलीग्राम का आप पूरा दे सकते हो, अगर बच्चा 20 किलो से कम का है, 20 किलो से ज़्यादा का है तो आप उसको 200 मिलीग्राम दे सकते हो, और 30 किलो से ज़्यादा का है तो आप उसको थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। तो ये होता है अल्बेंडाजोल, जो कि सिर्फ वो टैबलेट फॉर्म में आता है, जो कि पेट के कीड़ों को मारता है। ठीक है, तो आज के इससे पे इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद।